सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के अनुरूप वेशभूषा धारण करने के बाद मंदिर के मुख्य वीवीआईपी द्वार से श्री महाकालेश्वर प्रांगण के अंदर प्रवेश करते हुए और उनके साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उज्जैन की नगरी जिसे अवंतिका, उज्जैनी, विशाला, प्रतिकल्पा, कुमुदवंती, स्वर्ण श्रृंगा, अमरावती अनेक नामों से पहचाना जाता है, आज उसके लिए बहुत ही अनोखा दिन, बहुत ही अद्भुत दिन, जहां पर कुछ नई सौगातें इस राज्य को मिलने वाली हैं, इस देश को मिलने वाली हैं। और इस कार्यक्रम के क्रम में हम आपको उन सभी तथ्यों की जानकारी लगातार देते रहेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री श्री महाकालेश्वर के मुख्य मंदिर प्रांगण में, जहां पर वो अब थोड़ी देर में विशेष पूजा अर्चना के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए। महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं विशेष पूजा अर्चना के लिए, जिससे भारत को जगत गुरु बनाया जा सके, जिससे भारत को आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके, जिससे विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। महाकालेश्वर की महिमा अनंत है। भोलेनाथ, शिव शंकर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं, अभ्यर्थना, पूजा अर्चना, आराधना और वंदना करने पहुंचे हैं राष्ट्रनायक, जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में, आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कृष्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितीया की तिथि, द्वितीया की तिथि जैसा कि आप जानते हैं भगवान श्री महाकालेश्वर के कपाल पर जो विद्यमान चंद्रमा है वो भी द्वितीया का ही चंद्रमा है, और इसीलिए इसको बहुत ही शुभ, बहुत ही पवित्र माना जाता है। अमुक गोत्रोत्पन्न मम आत्मना
श्रुति स्मृति पुराणोक्ता वेदोक्ता पुण्य फल प्राप्त कर्मात् समस्त भय व्याधे जरा पीड़ा व्याधे समस्त कष्ट निवारणार्थं मृत्युंजय भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देवता प्रसन्नार्थं आदिदेविका आदिभौतिका आध्यात्मिक त्रिवदा तापोपक्षमनार्थं भगवान स्वयंभो सांब सदाशिवाय नमः समस्त भारतवर्ष विजय फल प्राप्तं विश्व कल्याण हेतु महाकालेश्वर अन्मे मन शिवशंकरो प्रिय नमस्कारा अर्पया मे नमस्कुरा मे भगवान सांब सदा शिवाय नमः अतः ध्यान ओं वक्रतुंड महाकाय दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वसा नमो सुभद्रे मा पार्वती नमः पार्थिव स्वामी चक्रमाना संबरन्दि कुमार विशिदायव तन्न इन्द्र बृहस्पति सर्वजतु विश्वाहा सर्वजतु कार्तिकेश्वराय नमः सेनापते नमः नमस्कारा निम नंदी गंगा ध्यान कर लीजिए माशो शिरानु रघवन भीम त्रिफलाकारं किरीटं चांद्रायुधं
त्रियन्न पाप संहारं हरिर्भवं शिवार्पणं मनसनं बिलपत्रस्य दुष्पासनं पापनाशनं अभुवन पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणं महाशिवासेन वारं च कालभैरवार्जुनं महिदन्या महादानं एकबिल्वं शिवार्पणं ॐ नमो बिल्विने चकवचिने तनमं वर्विने चवरोगिने तनम् सुताय च सुतसेनाय च नमो द्वन्द्वभ्याय च अनन्य मर्यादिस्मरदेवे मालिद्राधीनप्रभु मयार्थानि पूजानं पुष्पोऽयं प्रतिनयत सेवान्तिका पूर्णचमागनाजै पूर्णलगजानकरवेलसार पुष्पै बिल्वप्रसाद तुलसी दलवान देवे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्ध पुष्पमालां अर्पयामि धूपं दीपं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षको श्रीकृष्णो समवर्तत पद्भ्यां भूर्मिशाकर्मयन् सर्गना कीर्ताब्जानिन्दहारं भक्ष भोजं च नैवेद्यं प्रतिदयत् येन मुद्रां प्रदशयत मत्स्यमुद्रां प्रदशयत क्रासमुद्रां प्रदशयत ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः मध्ये पानीयम् अर्पयामि पुनर्ध्यानम् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्म भूर्वस्वरं किञ्चित् हस्तमक्षारं मुखमक्षारं वा शुद्धात्मजं गुरोपवर्धनार्थे दिव्यचन्दनम् अर्पयामि ताम्बुलानिं समर्पयामि ब्रह्मवस्त्रं समर्पयामि तत्पुरुषं यतो कतिधार्यगल्पयन्न मुखं किमसासीत्यं बाहो किं विमो रूपादा उच्येते वस्त्रं वा चक्रुहं व्यदोः कतिनागकल्पयन्न मुखं किमिष चेत्यं बाहुर्विमोरुपादा उच्येते वस्त्रं समर्पयामि आभूषणार्थे गन्धाक्षतमर्पयामि ॐ त्र्यम्बकं च दामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं वा पूर्वारुहमिव वन्दना मृत्योरुचि अमामृतादात् रक्तञ्जय भगवान् महाकालेश्वराय नमः वस्त्रं समर्पयामि गन्धाक्षतमर्पयामि आरार्तिकं वा ईश्वराय नमः
सांगाय सह परिवाराय नमः आराधिकं अर्पयामि शीतलेश्वरनम् मां शीतलेश्वरनम् देववंदनम् मां आत्मवंदनम् आत्मरक्षार्थ आराधिकं अर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं मां ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिरं ब्रह्मणोऽधिगतिरं ब्रह्मा शिवो मे आस्म सदाशिवो यक्षस्य रूपाय जटाधराय वीरापहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय सायंकाले शिवं दृष्ट्वा निशे पाप विनश्यति आयं वा कृतमाद्यान्ने छायान्ने सप्त जन्मने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र निर्माण के संकल्पना को साकार करने के लिए, राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के लिए, जगत गुरु भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए, और साथ ही साथ जो विकसित भारत का सपना उन्होंने देखा है उसको धरातल पर वास्तविकता में परिणति देने के लिए, संकल्प से सिद्धि के लिए आए हैं। ये हमारी ही संस्कृति है अजय, जो कहती है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राष्ट्र निर्माण के संकल्पना के साथ और विश्व कल्याण की कामना के साथ इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में हैं और इस संकल्प को सिद्धि में पूर्ण करने के लिए इस समय साधनारत हैं। जो ये दृश्य आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि ब्रह्मांड का एक अकेला ऐसा शिवलिंग जिसका आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं, जो दक्षिणाभिमुख है, यानी जो दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि दक्षिण की जो दिशा होती है वो यम की होती है, यमराज की होती है। लेकिन जो यम को भी जीत ले, जो काल को भी जीत ले, वही है महाकालेश्वर भगवान आशुतोष। और इस महान शिवलिंग के ठीक ऊपर
श्रीयंत्र स्थापित है जो इस वक्त दृश्य में नहीं दिख रहा है, लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। वहाँ से बाईं ओर भगवान श्री गणपति विद्यमान हैं, दाईं ओर त्रिशूल के पीछे भगवान कार्तिकेय विद्यमान हैं और ठीक बीच में माँ पार्वती। पूरा का पूरा जो शिव परिवार इस अद्भुत दक्षिणाभिमुखी ब्रह्मांड के इस अनोखे शिवलिंग में विद्यमान। और इस मंदिर के निर्माण की समय सीमा तो शायद हम आपको बता सकते हैं, लेकिन इस ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की जो समय सीमा है उस तक अभी तक कोई भी पहुंच पाने में समर्थ नहीं हुआ है। और ये जो ध्यान की स्थिति है जिसमें षडक्षर मंत्र या फिर पंचाक्षरी मंत्र का ध्यान किया जाता है, वो बहुत ही अद्भुत मंत्र जिसमें हर अक्षर कुछ न कुछ संदेश, कुछ न कुछ शक्ति लेकर के आता है। और अब उसी षडाक्षर मंत्र को एक एक शब्द के अर्थों के अनुसार षडाक्षर मंत्र की जो उच्चारण विधि है उसको कहने का मैं प्रयास करता हूँ। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमन्ति ऋषयो देवाः नमन्त्यप्सरसां गणाः नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः। महादेवं महात्मानं महाध्यानपरायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शांतं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्यः वासुकिः कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र तत्र स्थितौ देवः सर्वव्यापी महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। षडक्षरमिदं स्तोत्रं यपठे शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। और इस ध्यान की मुद्रा में सबसे जो संकल्पना है सनातन संस्कृति की वो विश्व कल्याण की है, सत्यम शिवम सुंदरम की है। और ओम नमः शिवाय का महाजाप, ये पंचाक्षर जो है इसका जाप करने से न केवल प्राणी मात्र को ज्ञान श्री सिद्धि और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है बल्कि उसके संकल्प की भी सिद्धि होती है। समूचे राष्ट्र की ओर से विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने के लिए, विश्व कल्याण की कामना को चरितार्थ करने के लिए और भारत को आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत समुन्नत भारत और जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं महाकाल के दरबार में। जो पंचाक्षर हैं ओम नमः शिवाय, इनके अलग अलग शब्दों के अलग अलग अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मय नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मय मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाद वृषध्वजाय तस्मय शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मय वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय
तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षर मिदं पुण्यं या पठेच्छिसव सन्निधो शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो सत्यम शिवम सुंदरम की कल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना है, जो सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को साकार करने की संकल्प और सिद्धि है, वो और मजबूत होती है और दृढ़ होती है जब हम अपने राष्ट्रनायक को देखते हैं कि प्राण प्रण से राष्ट्र निर्माण में अहर्निश अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए स्वयं प्रस्तुत हैं और दूसरों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्मपरायण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये धर्मपरायण स्वरूप, जो कि समूचे विश्व को सनातन संस्कृति भारत भारतीयता के रूप में स्थापित करता है, जो भारत भारतीयता के परिभाषा को पूरे विश्व के सामने रखता है, और वो परिभाषा है हमारी ही संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम। अजय, भगवान श्री महाकालेश्वर जो काल की सीमा से परे हैं, काल समय घड़ी ये सब कुछ चक्रों में चलता है, चाहे वो दिन का चक्र हो, मास का चक्र हो, वर्ष का चक्र हो, जीवन का चक्र हो, या फिर सृष्टि का चक्र। यही चक्र अनंतता का प्रतीक भी है, और भगवान श्री महाकालेश्वर इस अनंत के भी पार अपने अस्तित्व को संपूर्ण विश्व संपूर्ण सृष्टि पर सृजन के माध्यम से, पालन के माध्यम से, संहार के माध्यम से लगातार कर्म करते हुए ये बताते रहते हैं कि ये जो काल और स्थिति जो कि किसी के भी अस्तित्व का आधार है, इसी की भौतिकता के सीमा के परे चले जाना ही काल का महाकाल बन जाना होता है। और इसी दर्शन के जो पीछे का जो दर्शन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्ञान मुद्रा में इस वक्त ध्यानस्थ भगवान श्री महाकालेश्वर के प्रांगण में, और कहा जाता है कि भगवान शिव योगियों को ही प्राप्त होते हैं और योगी जन उन्हें ध्यान से ही प्राप्त कर पाते हैं। जीवन की इस चक्रीय गति में ही सृष्टि की संरचना या सृष्टि का रहस्य समाहित है, और इसी चक्रीय गति से मुक्ति पाने का जो उपाय है वो भगवान श्री महाकालेश्वर के चरणों में उनकी शरणागति में हो सकता है। ये जो दृश्य है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, सिर्फ संस्कार नहीं है, वो परम विज्ञान है, क्योंकि भगवान महाकालेश्वर स्वयं विज्ञान के देव हैं, संपूर्ण कलाओं के देव हैं। और आपने देखा कि किस तरह से पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है, संध्या के समय में भगवान श्री महाकालेश्वर का जलाभिषेक नहीं किया जाता, और इस परंपरा का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने संक्षिप्त पूजन अर्चन कर देश और राष्ट्र की ओर से संपूर्ण विश्व के कल्याण और समुद्भव की प्रार्थना की, और इस राष्ट्र को उन्नति और समुद्भव के मार्ग पर जाने की प्रार्थना वंदना भगवान श्री महाकालेश्वर से। अद्भुत दृश्य, और निश्चित तौर से यह अप्रतिम दृश्य माँ भारती का भाल, माँ भारती का ललाट गर्व से और उन्नत हो जाता है जब भारत और भारतीयता की धर्मध्वजा पूरे विश्व में लहराती है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो भगवान शिव के दरबार में आकर, महाकाल के दरबार में आकर, जिस तरीके से राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सिद्धि के और ज़्यादा दृढ़ विश्वास होता है। इस समय रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है प्रधानमंत्री जननायक राष्ट्र सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और अगर देखें तो भगवान शिव वास्तव में विलक्षण देव हैं, शिव सत हैं, शिव शाश्वत हैं, शिव आदि हैं, शिव अनादि हैं, शिव अनंत हैं, शिव अंत हैं, शिव आदियोगी हैं, शिव महायोगी हैं, शिव मुक्तिदाता हैं, शिव मोक्षदाता हैं, शिव नाथों के नाथ हैं भगवान भोलेनाथ, और कालों के काल हैं भगवान महाकाल। और भगवान महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गर्भगृह से प्रस्थान कर रहे हैं, और आज वो सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता के एक और प्रकाश स्तंभ का भी लोकार्पण करेंगे। भगवान महाकाल के महालोक का विश्वार्पण होगा, आज लोकार्पण होगा,
ये भी सनातन संस्कृति के लक्ष्य से और विश्व में भारत की बढ़ती हुई शक्तिबोध और भारत के नए स्वरूप को परिलक्षित करेगा। इस समय परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान शंकर के वाहन नंदी के बगल इस समय ध्यान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और निश्चित तौर से जो हमारी संकल्पना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुग्भाग् भवेत्, ये प्रार्थना, ये अभ्यर्थना, ये आराधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। भगवान श्री नंदीश्वर को स्वयं धर्म का स्वरूप माना जाता है। अपनी मान्यता को, अपनी कामनाओं को भगवान श्री नंदीश्वर के कान में कहने की जो प्रथा है वो अत्यंत प्राचीन है। भगवान शिव से कुछ कहना होता है तो भगवान श्री नंदीश्वर का आश्रय लेकर के भक्त उनके कानों में अपनी मनोकामना को कहते हैं और वही ध्यान, वही कामना, वही स्तुति इस वक्त साक्षात धर्म के स्वरूप नंदीश्वर भगवान के समीप बैठ करके प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए। और अनोखा दृश्य देखिए कि भगवान नंदीश्वर, कितना अद्भुत भाग्य है उनका कि वो सदा भगवान शिव के सम्मुख ही रहते हैं। और इस स्वयंभू शिवलिंग की एक अद्भुत महत्ता एक और भी है कि जब भगवान सूर्य की किरणें उज्जैन में पहली बार आती हैं तो वो इसी शिवलिंग का अभिषेक करती हैं। भगवान सूर्य की किरणें जब अस्ताचल की तरफ जाती हैं तो स्वयं इस शिवलिंग का अभिषेक करती हुई जाती हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना आराधना करने के बाद प्रस्थान कर रहे हैं। साथ में हैं मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। और विलक्षण क्षण, एक असाधारण, अद्भुत और अलौकिक और अकल्पनीय क्षण समूची विश्व मानवता के लिए, क्योंकि एक स्वप्नद्रष्टा के साधना का ये फल आज पूरी दुनिया देखेगी। एक राष्ट्र सेवक की साधना का कर्मफल भी आज दुनिया देखेगी। कर्मयोगी ने अभी आदियोगी को अपनी कार्यांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की है, इसके बाद राष्ट्र सेवक समूचे राष्ट्र और मानवता को कार्यांजलि भी प्रस्तुत करेंगे जब वो महाकाल के लोक का लोकार्पण करेंगे, विश्वार्पण करेंगे। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, जननायक के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक के रूप में महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर अब यहां से महालोक के लोकार्पण के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने एक चीज महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे
महाकालेश्वर के शिवलिंग से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही समझने की बात है कि ये जो शिवलिंग है वो धरती के नीचे विद्यमान है। ये पूरा का पूरा अभी शिखर जो आपने दर्शन किया उसके ऊपर सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर भगवान विराजमान हैं और उसके बीच में ओंकारेश्वर भगवान और सबसे नीचे महाकालेश्वर भगवान विद्यमान हैं। ये शिखर का अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि शिखर के दर्शन से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है और इस पूरे विश्वास के साथ आप इस दृश्य का दर्शन कर सकते हैं कि आपको भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन का ही फल प्राप्त हो रहा है मात्र शिखर दर्शन से। सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन भक्तों को विग्रह के दर्शन होते हैं। उसके नीचे यानी मध्य में ओंकारेश्वर महादेव विराजमान और सबसे नीचे स्वयंभू महाकालेश्वर विद्यमान। ब्रह्मांड का एक अनोखा दृश्य, ब्रह्मांड का एक अनोखा ज्योतिर्लिंग जिसका दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। ये ऐसा अद्भुत स्थान जहाँ पर एक नहीं 84 शिवलिंग विद्यमान हैं, अष्ट भैरव विद्यमान हैं, एकादश रुद्र विद्यमान हैं, द्वादश आदित्य विद्यमान है, 6 गणेश और 24 देवियां इस प्रांगण में विद्यमान हैं। शिप्रा, नीलगंगा, नव नदी और गंधवती, ये 4 पुण्य सलिला अत्यंत पवित्र नदियां यहाँ पर विद्यमान हैं। देवमंडल तीर्थ एक योजन में विस्तार प्राप्त करता है। एक योजन मतलब समझे आप करीब 12 किलोमीटर की परिधि, इसको कहा जाता है कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का परिधि। ब्रह्मा विष्णु साक्षात यहाँ पर विद्यमान हैं, भगवान शिव तो विद्यमान है ही। भगवान विष्णु कहा जाता है यहाँ पर 10 नामों में से 10 विग्रह के रूप में विद्यमान हैं और स्वयं इस अवंतिका को विष्णुपादा कहा जाता है, यानी भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह के रूप में इसे माना जाता है। और ये 10 विग्रह जो नारायण यहाँ पर विद्यमान हैं उनके नाम लेने से, नाम के श्रवण करने से भी अत्यंत पाप नाशन किए जो नाम हैं वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और वो नाम श्रवण करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस मंदिर के परिसर से। वो नाम हैं वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वाराह, धरणीधरर, वामन और शेष शाही। ये भगवान श्री विष्णु के 10 नाम और 10 विग्रह और 10 विग्रहों के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर विद्यमान, जहाँ पर महाकालेश्वर निरंतर उन्हीं भगवान विष्णु के ध्यान में रत रहते हैं। ये महाकाल महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का अद्भुत नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं और भगवान शंकर इस समूचे सृष्टि के कल्याण के लिए जो उन्होंने हलाहल का पान किया, ऐसा भी समूचे सृष्टि में करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इसी को श्री श्रद्धे अटल जी ने कहा कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भू पर, पै पी कर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पी कर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये सनातन संस्कृति ही है, ये भारत भारतीयता की विशिष्ट पुण्य भूमि है जिसने विश्व के कल्याण के लिए देवाधिदेव शंकर ने जहाँ पर विश्वपान किया और जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके, विश्व में सृष्टि में लोगों का उत्थान हो सके। और जब विलक्षण ऐसे विश्व के कल्याण के लिए अपने अस्थियों का भी दान करने वाले महापुरुष यहाँ हुए, यहाँ पर अनेकानेक सिद्धांतों का मानवतावाद के संकेंद्र के रूप में अनेक मनीषियों ने अपना जीवन तर्पण कर दिया, तो आज इसी उज्जैन की पुण्य भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे हैं। वो उज्जैन की भूमि जो कि महाराजा विक्रमादित्य के न्याय की भूमि है, जो वाराह मेहर के अनुसंधान की भूमि है, जो वाण भट्ट के तपश्चर्या की भूमि है, जो भगवान श्री कृष्ण के अध्ययन की भूमि है, संदीपनी आश्रम यहीं पर है। और निश्चित तौर से धरती का नाभिकेंद्र कहा जाने वाला उज्जैन आज एक और आयाम अपने में जोड़ने जा रहा है, क्योंकि महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान कर चुके हैं महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के लिए, जो कि अपने में
विलक्षण है, अद्भुत है और साथ ही साथ समूची भारत भारतीयता को अपने में समेटे है। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आज उज्जैन की श्री में, आज उज्जैन की सौंदर्य में, आज उज्जैन की महिमा में, आज उज्जैन की गरिमा में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महालोक के लोक का महालोकार्पण करेंगे। अश्विनी, आपने उज्जैनी का नाम लिया, ये जो धरा है वो बहुत ही पवित्र है और इसके प्राचीन काल से बहुत सारे नाम रहे हैं और अब मैं उन नामों की तह में आपको ले जाना चाहता हूँ, नामों की यात्राओं पर आपको ले जाना चाहता हूँ, ये समझाने के लिए कि इस पुरियों को अलग अलग कल्पों में अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। इस पुरी को कनक श्रृंगा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर भगवान विष्णु स्थित थे और उनके दर्शन के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव यहाँ पर पधारे, तो यहाँ पर उनको स्वर्ण के शिखरों का दर्शन हुआ, तो स्वयं भगवान विष्णु ने इस धारा को कनक श्रृंगा का नाम दे दिया। और आप देख रहे हैं इस वक्त शिखर बिल्कुल कनक वर्ण में और ये जो ध्वजा आप देख रहे हैं अत्यंत मनोहारी दृश्य, धर्म ध्वजा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करने के लिए आज एक ध्वजारोहण का भी कार्य किया गया है इस मंदिर के प्रांगण में और आज मंगलवार के दिन ही वो शुभ कार्य किया गया। बहुत ही अद्भुत दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं मंदिर के प्रांगण का, जो अत्यंत मनोहारी और अत्यंत पवित्र करने वाली है। तो आपने समझा कि इसे कनक श्रृंगा क्यों कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे कनक श्रृंगा का नाम दिया क्योंकि भगवान श्री ब्रह्मा और भगवान श्री विष्णु को यहाँ पर कनक के शिखर के दर्शन हुए। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसा ही दर्शन इस वक्त आप दूरदर्शन के माध्यम से देश और विदेश में बैठे अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर लगातार उन भव्य दृश्य को अवलोकित कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और पुण्य का भागी बन रहे हैं। उसके बाद इसको कुशस्थली कहा जाता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु भगवान श्री ब्रह्मा के आराधना करने पर प्रकट हुए तो भगवान श्री ब्रह्मा ने उनको कुश का आसन प्रदान किया और कुश का आसन प्रदान करने के बाद जब भगवान विष्णु उसके स्थासन पर बैठे तो इसको कुशस्थली के नाम से जाना जाने लगा। अभी हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र ने आपको समुद्र मंथन की अद्भुत कथा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से भगवान श्री महाकालेश्वर ने हलाहल विष का पान किया। तो समुद्र मंथन के बाद देवों और दानवों में जब अमृत के लिए संघर्ष हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो विष निकला वो तो भगवान ने ग्रहण कर लिया इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए, लेकिन परस्पर संघर्ष हुआ जब अमृत निकला और तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये माँ लक्ष्मी भी उसी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, तो इसको पद्मा लक्ष्मी यानी पद्मा का वास कहा जाने लगा और इस स्थान को पद्मावती के नाम से जाना जाने लगा। उज्जैनी, आप जानते हैं कि देवों ने किस तरह से उत्कर्ष पूर्वक उज्जय किया, तो इसे उज्जैनी कहा जाने लगा। अवंतिका इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि अवन यानी ये रक्षा करने वाली पुरी है, हमारी रक्षा करती है पापों से, और इसीलिए इसको अवंतिका कहा गया क्योंकि देवों की रक्षा करने वाली जो पुरी है वो अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में ऋषि लोमश ने यहाँ पर घोर तपस्या की और इस पुरी में उनको अमावस्या की रात्रि में भी यहाँ पर एक चंद्रिका जैसी छिटकी हुई दिखाई दी और इसके लिए इसे कौदमीपूर्ण यानी कुमुद्वती कहा गया। अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं, कुमुद्वती में अवस्थित, अवंतिका में अवस्थित, उज्जैनी में अवस्थित, पद्मावती में अवस्थित, कुशस्थली में अवस्थित, कनक श्रृंगा में अवस्थित और सबसे अंत में अमरावती, क्योंकि यहाँ पर भगवान अदिति, माता अदिति और भगवान कश्यप ने यहाँ पर हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद देवताओं को जन्म दिया जो अमरत्व को प्राप्त हुए, इसलिए इस धारा को अमरावती भी कहा जाता है। तो ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, मंदिर के नीचे जो कोटि तीर्थ है उसके भी आप दृश्य देख रहे हैं, मंदिर के ठीक दाहिनी तरफ एक जो कुंड दिखाई दे रहा है वहीं से भगवान का जलाभिषेक उस जल से किया जाता है। और कहा जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भीम ने यहाँ पर स्नान करके शिव का जलाभिषेक किया था और उसके साथ जो एक बहुत लंबी सी नदी की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ का रुद्र सरोवर
जो कि 7 सरोवरों में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुण्यकारी। नयनाभिराम दृश्य, मनोहारी दृश्य, आंखों में रच बस जाने वाला दृश्य, क्योंकि आज महाकाल की नगरी में प्रधान सेवक राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने पहुंचे हैं। अजय, निश्चित तौर से मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं, जितनी सनातन संस्कृति जितनी हमारी प्राचीन है और जिस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति ने समूचे विश्व को अनेक उपहार दिए, उसके लिए विश्व की समूची सभ्यता ऋणी रहेगी। अगर देखें तो जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वार्गिक स्वरथा दिया सुनाई। जब पश्चिमी देश वनों जंगलों में रहकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाने आदिमानों के रूप में रहा करते थे, तो हजारों सहस्राब्दियों पहले वेदों का गान, वेदों के ऋचाओं का निर्माण, इन्हें पुण्य सलिला, गंगा, यमुना, क्षिप्रा, उज्जैनी, काशी, कांची, अवंतिका, इन सभी नगरियों में हुआ, जो कि समूचे विश्व के लिए अनुपम उपहार है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तमकी छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो आज ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की आभा को नए विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। आज चमकते हुए हिंदुस्तान के नए स्वरूप को आप देख रहे हैं। आज महाकाल के दरबार से समूचा विश्व देख रहा है कि यह औपनिवेशिक काल का ये प्रभाव था अजय, कि जब ग्रीनविच मीन टाइम होने लगा। दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि नाभि केंद्र के रूप में विशिष्ट स्थान रखने वाला तकरीबन 23.5 अक्षांश और 75 देशांतर पर स्थित यह उज्जैन की नगरी कालगणना के लिए सर्वोच्च नगरी मानी जाती थी। वाराह मिहिर ने अपने ग्रंथों की यहाँ रचना की। यहाँ पर राजाओं ने अपनी वेधशालाओं की स्थापना की। और अगर देखें तो ये मनीषियों की धरती रही, ये तपश्चर्या की धरती रही, ये तप की धरती रही, ये मनीषियों के उद्गम की धरती रही। और निश्चित तौर से आज उज्जैन एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। और विशिष्ट स्थिति उज्जैन की इसलिए भी है क्योंकि अगर देखें तो जब उत्तरायण सूर्य होता है और उत्तरी ध्रुव पर अगर देखें तो 6-6 महीने की रात होती है, तो तकरीबन 3 महीने बाद उज्जैन पर हमेशा सूर्य चमकता रहता है। यह औपनिवेशिक काल का परिणाम था कि ग्रीनविच मीन टाइम शून्य देशांतर लंदन से होकर गुजरता था। लेकिन औपनिवेशिक काल के पहले भी अगर अजय देखें तो जब सनातन संस्कृति और विश्व संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ करता था, तो शून्य देशांतर की जो गमन होता था, जो शून्य देशांतर की जो स्थिति होती थी, जो विश्व गणना काल गणना के लिए शून्य देशांतर माना जाता था, तो वो उज्जैन से ही जाता था। ये औपनिवेशिक काल के बाद अगर आप देखें तो निश्चित तौर से आदिकाल में और सहस्राब्दियों पूर्व ये काल गणना की स्थिति का स्थान रहा, विशिष्ट स्थान रहा। और निश्चित तौर से अगर काल गणना से भी हम जोड़ सकते हैं कि महाकाल का यहाँ पर उपस्थित होना, वह उस कालगणना के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जा सकता है। और अगर देखें तो विज्ञान भी अजय, देश और काल, टाइम और स्पेस, इन्हीं सब चीज़ों पर जाकर आज आगे बढ़ रहा है। हाँ, विज्ञान जहाँ भौतिक चीज़ों में जाकर उन्नति कर रहा है, वहीं आध्यात्मिक रूप से स्थूल रूप में नहीं लेकिन चैतन्य रूप में, शरीर रूप में नहीं अशरीरी रूप में, जो जगत के मिथ्याचार हैं उनके रूप में नहीं, वास्तविक सतचित और आनंद के खोज के रूप में या अनुसंधान के रूप में, गणना के रूप में, निश्चित तौर से ये उज्जैनी, ये प्रातकल्पा, ये कुमुदवती, ये स्वर्ण श्रृंगा, ये अमरावती, ये उज्जैनी निश्चित तौर से समस्त विश्व के आकर्षण का केंद्र रही। और आज आकर्षण का केंद्र इसलिए है कि महाकाल के लोक का महालोकार्पण होने जा रहा है जननायक राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, जो कि सपना जिन्होंने देखा है विकसित भारत बनाने का 2047 तक, जिन्होंने उद्घोष किया है आत्मनिर्भर भारत का, और जो प्राण प्रण से अपने जीवन के क्षण क्षण को राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किए हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। अजय, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य जो इस वक्त आप देख रहे हैं। मैं अश्विनी जी बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ इस वक्त कि मैं इस धरा पर बैठ करके इस पल का साक्षी हूँ जहाँ पर मेरे समक्ष भगवान श्री महाकालेश्वर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर स्थित, क्योंकि इस वक्त हम कॉरिडोर के बिल्कुल उस स्थान पर मौजूद हैं जहाँ से इस नए कॉरिडोर का, जिसे हम
महाकाल लोक कह रहे हैं, जिसका लोकार्पण आज किया जाना है, अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। स्वयं श्री महाकालेश्वर के सम्मुख बैठ करके इस क्षेत्र की महिमा का बखान करना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और जिस तरह से हमने कहा कि आज तो द्वितीया की तिथि है, द्वितीया का चंद्रमा स्वयं भगवान श्री महादेव के भाल पर विराजमान रहता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो भगवान महादेव के दर्शन का फल आपको प्राप्त होता है। आज वही पुण्यतिथि, अभी थोड़ी देर पहले प्रदोष काल में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्र की तरफ से संपन्न किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आपके जीवन में सामान्य तस्वीरें नहीं हैं, ये बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण तस्वीरें, जो कि दूरदर्शन के तकनीकी सहयोग के माध्यम से आपके घर घर में आपके पास तक पहुँच रही हैं। और आपको बताएं, आप यहाँ पर दूरदर्शन परिवार ने 30 से ज़्यादा हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन कैमराज का इस्तेमाल किया है, अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त आप देख रहे हैं। कनक श्रृंगा भगवान महाकालेश्वर के शिखर को किस तरह से समाहित करने की कोशिश की गई है, शिखर और ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन कर पाना ये तकनीक के ही माध्यम से संभव हो पाया है। इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही विहंगम दृश्य। और एक और तथ्य की ओर मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ यही क्षेत्र है जो कि विशिष्ट है सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में। और क्यों ये विशिष्ट है ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही ज्योतिर्लिंग है जो कि 5 स्वरूपों में आपको स्पष्ट नजर आता है। ये देखिए विहंगम दृश्य, मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि इसी ज्योतिर्लिंग को क्षेत्र कहा जाता है, इसी ज्योतिर्लिंग को पीठ भी कहा जाता है, इसी ज्योतिर्लिंग को स्मशान भी कहा जाता है। सिर्फ यही ज्योतिर्लिंग है जिसे महाकाल वन की संज्ञा दी जाती है, और इसी क्षेत्र को ऊसर क्षेत्र कहा जाता है। ये जो पंच प्राण आप कह सकते हैं, ये जो पंच तत्व आप कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी ज्योतिर्लिंग की धारा पर विद्यमान है, जो क्षेत्र पीठ ऊसर स्मशान और वन एक साथ अपने आप में समाहित करता है। तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है ये समझने की जरूरत है। कहते हैं क्षीयते पातकम यस्मात् तेदेनम क्षेत्र मुच्यते, जहां पर आपके सभी पापों का क्षय हो जाए इसलिए इसको क्षेत्र कहा जाता है। तस्मात् स्थानांच मंत्रणाम पीठन्ते नैव कथ्यते, यहां पर 24 देवियों का वास है, माँ हरसिद्धि का वास है, इसलिए इसको पीठ कहा जाता है। 51 शक्तिपीठों में माँ हरसिद्धि यहाँ पर स्वयं विद्यमान, कहते हैं माँ आदिशक्ति की कोहनी यहाँ पर गिरी थी, इसलिए इसको पीठ कहा जाता है। मृता पुनर्जायन्ते तेदेन मुशरम स्मृतम, यह बहुत ही समझने की बात है अश्विनी की, जो ऊसर शब्द होता है उसको हम नकारात्मक कहते हैं, जहाँ पर कोई उत्पादन संभव नहीं है उस भूमि को हम ऊसर भूमि कहते हैं। इस क्षेत्र को भी ऊसर भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए यह क्षेत्र ऊसर है। और ऊसर शब्द का इतना सकारात्मक प्रयोग आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो आपको जन्म और मृत्यु की अजस्र अनादि अनंत परंपरा से परिच्छेद करके आपको मोक्ष की स्थिति में ले जाता है, इसलिए यह क्षेत्र ऊसर कहा जाता है। और भगवान शिव को बहुत ही ये प्रिय है, स्मशान महाकाल के रूप में यहाँ वे विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको स्मशान भी कहा जाता है। और अंत में इसको कहा जाता है महाकाल वन। तो अभी थोड़ी दिन पहले हमने एक महापर्व मनाया शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा को अत्यंत मनोहारी अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है सनातन धर्म की संस्कृति में। 2 दिन पहले ही ये शरद पूर्णिमा का जो पर्व है हमने देखा, वृंदावन में इसकी बहुत महत्ता है। अगर आप उस दिन वृंदावन में होते हैं तो वो बहुत ही महत्व का दिन होता है। और उसके बाद जो वृंदावन नहीं तो कम से कम महाकाल वन में हम लोग तो आ ही चुके हैं, और भगवान श्री महाकालेश्वर ने स्वयं हमें बुलाया। ये मनोहारी दृश्य, और इससे पहले आपने मुझे खुद ये बताया था कि रुद्र सागर जो कि उज्जैन में महाकाल के मंदिर के प्रांगण से ही सन्निध है और बगल में ही है, ये उज्जैन के महासागर में इससे पूर्व जो लोगों ने वो टापू सदृश जगह देखी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन की स्थिति है, वो मानी जाती है, यहाँ के लोगों का मत है। और ऐसा लोगों पर रुद्रसागर में जो हमने नयनाभिराम दृश्य देखा, वो टापू सदृश वो स्थान देखा, तो वो स्थान था जो कि
महाराजा विक्रमादित्य जी जहाँ पर अपना सिंहासन लगाते थे, जिन्होंने न्याय की नई परिभाषा दी और बेहद मनोहारी दृश्य। अजय, यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने का उन्होंने प्रण लिया है, एक मेरी जनमानस के हिसाब से एक अभ्यर्थना है, प्रार्थना है और लोगों की ऐसी आकांक्षा है कि अगर देखें तो जो इतिहास का जिस तरीके से लेखन हुआ है, समूचे प्राचीन भारत के इतिहास को अगर आप पढ़ें तो 56 ईसा पूर्व, जबकि विक्रम संवत होने का साष्टांग प्रमाण है, सीधा प्रमाण है, विक्रम संवत होने का सीधा सार्थक प्रमाण है, लेकिन कहीं भी भारत के प्राचीन इतिहास में महाराजा विक्रमादित्य का उल्लेख नहीं मिलता है। संवत उनके नाम से चलता है, ये महाकाल की नगरी के वो राजा रहे हैं। विक्रम संवत के साथ साथ उनकी न्यायप्रियता की कहानियां दंत कथाओं में बेताल पच्चीसी के रूप में लोग जानते हैं, उनके दंत कथाओं में वो जीवित हैं, लेकिन अफसोस ये कि महाराजा विक्रमादित्य हमारे इतिहास में नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, हमारा जो संवत है वो शक संवत से चलता है, जनमानस की अपेक्षा है कि जिस तरीके से गुलामी के प्रतीकों सबको समाप्त किया जा रहा है, वैसे ही भारत का अगर कालगणना शक संवत की जगह विक्रम संवत से भी हो, जो कि 56 ईसा पूर्व होने का है, तो वो भी जनमानस के लिए बेहद श्लाघनीय प्रयास होगा, सहर्ष एक हर्ष और उत्साह पैदा करने वाला होगा, क्योंकि इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती कि आपके इतिहास में उज्जैन नगरी के राजाधिपत और न्यायप्रिय राजा के रूप में दंत कथाओं में प्रचलित और सभी रूप से लोगों के लिए स्वर्णकाल के रूप में राजा के दंड और राजा के नियम और राजा के शासन के स्वर्णकाल और अंतिम लक्ष्य के रूप में व्याख्यायित किए गए हमारे राजा विक्रमादित्य हमारे इतिहास में नहीं है। तो निश्चित तौर से उनके नाम पर चलने वाला ये संवत, जो कि 56 ईसा पूर्व, ईसा से भी 56 वर्ष पूर्व होने की बात कही जाती है, तो वह उनके ऐतिहासिकता को तो प्रमाणित करता है और साथ ही साथ अनुसंधानकर्ताओं को, मनीषियों को, विद्वानों को, इतिहासकारों के सामने ये चुनौती भी है कि भले ही शिलालेख न मिले, अगर शिलालेख न मिले होते तो पुष्यमित्र सुंग को कोई नहीं जानता, सातवाहन को कोई नहीं जानता, कनिष्क को कोई नहीं जानता, लेकिन अगर जो चीज़ें उद्घाटित नहीं हुई हैं उनका उद्घाटन भी करना, भारतीय मनीषा और भारतीय संस्कार के प्रतीकों और उनके उद्घाटन करना, उनके लिए अनुसंधान करना, यह भी हमारा आपका ही दायित्व है, अनुसंधानकर्ताओं का दायित्व है। और निश्चित तौर से महाराजा विक्रमादित्य की इस नगरी में आज ये महा आयोजन हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच चुके हैं महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के लिए। ये तकरीबन 940 मीटर लंबा और 108 विशिष्ट स्तंभों पर बना हुआ ये विशिष्ट स्थान है, जो कि महाकाल के मंदिर की महिमा और गरिमा में एक नया अद्भुत अकल्पनीय आयाम जोड़ता है। नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रदीप्त, जो आपने दृश्य दिखाया था, एक बार मैं फिर से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त दृश्य, इस दृश्य को अगर हम समझा पाएं तो जो ये बीच में काला हिस्सा दिख रहा है उसी टापू का जिक्र आपने किया था, ये रुद्र सरोवर जिसका दर्शन बहुत ही मनोहारी, बहुत ही पापनाशक कहा जाता है, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं इसी टापू पर जो हमारे जो राजा विक्रमादित्य है उनका सिंहासन यहाँ पर स्थापित, और उन्होंने ये बताने के लिए कि यहाँ के तो राजा धीराज जो हैं वो वहाँ कालेश्वर हैं, इसलिए उनके प्रांगण में मैं अपने सिंहासन को स्थापित करता हूँ और न्याय की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये सामान्य दृश्य नहीं है, ऐतिहासिक दृश्य है, पौराणिक दृश्य है, और देश में जिस तरह से आपने कहा कि न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, जिसके लिए महाकालेश्वर को जाना जाता है, उनके ही प्रांगण में ये जो आप दृश्य देख रहे हैं ये विक्रमादित्य के सिंहासन की जगह हुआ करती थी। निश्चित तौर से अजय, और मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ इन छटाओं को, इन नैनाभिराम दृश्य को देख कर, हमारी सनातन संस्कृति के ही वैभव का गुणगान करते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा, वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में, दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। निश्चित तौर से सत्यम शिवम और सुंदरम की जो संकल्पना है वो साक्षात चरितार्थ हो रही है, हम साक्षी बन पा रहे हैं, और दूरदर्शन के माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोग पूरे विश्व में साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक घटना के, महाकाल के दरबार में महाकाल के महालोक का महालोकार्पण करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस समय महाकाल के महालोक का लोकार्पण करने के लिए। उपस्थित जन समुदाय का, मनीषियों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनका स्वागत
डबरु ध्वन से, घंटा ध्वन से, निनाद से और अनहद नाद से। Yeah.
महर्षि गौतम, महर्षि जमदग्नि, उसके बाद महर्षि विश्वामित्र, जिन्हें कहा जाता है कि वो गायत्री मंत्र के दृष्टा हैं और आनुवांशिक विज्ञान और अस्त्र शस्त्र की विद्या के ज्ञाता, और यही भारत जिसे पहले विश्वगुरु के नाम से जाना जाता था। उसके बाद महर्षि भारद्वाज, जो स्वयं देवगुर बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के छठे मंडल के दृष्टा हैं, और भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, और जो विज्ञान शास्त्र है उसके रचयिता हैं। साथ ही महर्षि अत्रि, जो कि ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न है, ऋग्देव के पांचवें मंडल के दृष्टा और वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक, और अत्रि, इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये महाकाल पथ की तस्वीरें, जिसमें इस वक्त मंडपम जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही अत्यंत मनोहारी दृश्य त्रिपुर वध का। त्रिपुर एक महान दानव, जिसे भगवान श्री शिव ने एक ही बाण में त्रिपुरासुर का वध किया, और इस रथ का संचालन स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने किया था। ये इस अत्यंत मनोहारी दृश्य के माध्यम से आपको त्रिपुर वध की जो कथा है वो आप तक पहुंच रही है। बेहद विहंगम मनोहारी दृश्य, जैसा कि आपने कहा, इससे पहले हमने देखा कि सप्तऋषियों के दर्शन किए, त्रिपुरासुर संघात का जो संकल्प भगवान शिव ने लिया था उसके उन्होंने दर्शन किए, और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सप्तऋषि मंडल में ही है, जहाँ पर, और साथ ही साथ इस पूरे अगर देखें महालोक को तो अलग अलग क्षेत्रों में 900 मीटर से ज़्यादा ये लंबा विस्तीर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर अलग अलग शिवपुराण से संबंधित जो कथाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। त्रिपुर सुर संहार की अगर कथा की बात करें तो ब्रह्मा ने जब ताड़कासुर के तीनों पुत्रों को तीन पुर दे दिए और त्रिपुर राक्षस असुर के रूप में जाने जाने लगे, और जब उनसे समूची मानवता क्लांत हो गई, तो ये दृश्य इस समय देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका अवलोकन कर रहे हैं, तो उसे मोक्ष प्रदान करने के लिए एक विशेष रथ के रूप में और विशेष अस्त्र के रूप में त्रिपुरासुर संहार करने के लिए भगवान शिव ने अवतार लिया, जिसमें उनके रथ के रूप में, सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा थे, सूर्य और चंद्र जिसके पहिए थे, मेरु पर्वत उनकी धनुष थी, सर्पराज वासुकी उनकी प्रत्यंचा थे,
अग्नि वायु विष्णुदेव और यमदेव उनके बाण थे। और सबसे बड़ी बात, इस दुष्कर और दुसाध्यकार के लिए भगवान शिव ने उज्जैन का ही चयन किया। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का वो दृश्य देख रहे हैं और इस समय पहुंचे हैं नवग्रह में। नवग्रह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय देख रहे हैं। भारतीय अगर गणना परंपरा, पंचांग परंपरा की अगर बात करें तो भारत में नौ ग्रह माने गए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में ये नौ ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। कालांतर में जो विज्ञान ने भी नवग्रह माने उनमें चंद्रमा उपग्रह के रूप में रहा और सूर्य तारा के रूप में रहा, लेकिन नवग्रह के रूप में हमारी जो सनातन संस्कृति की जो गणनाएं रही उसका भी यहाँ पर बहुत शानदार वर्णन और विवेचन किया गया। और ये जो आप नैनाभिराम अप्रतिम दृश्य देख रहे हैं, अजय, देखें तो किस तरीके से रक्षा सूत्र में बना हुआ भगवान शिव का ये शिवलिंग यहाँ पर रखा गया है। और निश्चित तौर से इसके पीछे की जो अवधारणा होगी कि एकता के सूत्र में हम समूचे देश को बांधे, धर्म धर्मांतर मत मतांतर को किनारे रखते हुए एक रक्षा सूत्र के रूप में यहाँ पर उपस्थित भगवान शिव का ये महालिंग ये बताता है कि किस तरीके से हम राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम तत्पर हैं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जिस शिवलिंग का लोकार्पण करते समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वार्पण लोकार्पण किया वो रक्षा सूत्र से बना हुआ है। और रक्षा सूत्र से बनने का अर्थ यही है कि हम एकता के सूत्र में बंधे, क्योंकि अलग अलग तंतु जब एक हो जाते हैं तो रक्षा बनती है और वो रक्षा सूत्र निश्चित तौर से लोगों की रक्षा के लिए होती है। और साथ ही साथ अगर देखें अजय तो ये भारत के विश्व के मस्तक पर, विश्व के क्षितिज पर नए भारत के अभ्युदय का सीधा प्रमाण है। पूरी दुनिया देख रही कि किस तरीके से भारत भारतीयता को अपने में समेटे नित नूतन और चिर पुरातन विरासत के साथ विकास के मंत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए भारत का अभ्युदय कर रहे हैं, नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, नए भारत की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 900 मीटर से ज़्यादा लंबे महाकाल कॉरिडोर जिसे कहा जाता है और जिसे कहा जाता है महाकाल का लोक, महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं इस पूरे विस्तीर्ण क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए। और सबसे बड़ी बात अजय, जैसा आपने बताया था कि यहाँ की दरो दीवार पर शिवपुराण से संबंधित एक एक कथाओं का विधिवत चित्रण किया गया है, चाहे वो गंगा अवतरण का दृश्य हो, चाहे वो असुरों के वध का दृश्य हो, चाहे वो भगवान के अलग अलग अवतारों की रूप हो, चाहे वो संदीपनी और भगवान अस्थि का दान करने वाले दधीच के पुत्र को मोक्ष प्रदान करने का दृश्य हो। और जैसा कि अभी हम एक बार फिर देख रहे हैं ताड़कासुर के वध के बाद त्रिपुरारी जब कहा गया भगवान शंकर को, त्रिपुरारी यदि त्रिपुर असुरों के वध करने के बाद कहा गया और उसका बेहद विहंगम नैनाभिराम दृश्य यहाँ पर किया स्थापित किया गया है। भगवान गणेश की मूर्ति, भगवान कार्तिकेय की मूर्ति, माता पार्वती, भगवान शंकर, यानी कि भगवान शंकर का समूचा दरबार और परिवार यहाँ पर स्थापित है महाकाल के इस महाप्रांगण में। अजय, ये शिव वाटिका जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये त्रिपुरारी हनन का दृश्य बार बार आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अब जो त्रिवेणी मंडपम है उसकी ओर, जो आप दृश्य देख रहे हैं वो त्रिवेणी मंडपम का दृश्य है। और इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का जो काफिला ई कार्ड के जरिए अब महाकालेश्वर पथ की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ, तो महाकाल लोक का लोकार्पण अब किया जा चुका है। और अब धीरे धीरे जिसे महाकालेश्वर पथ कहा जाता है, जो अब इस प्रथम चरण में जो नंदी द्वार है वहां से शुरू होता है और ये 900 मीटर से ज्यादा लंबा ये पूरा का पूरा महाकालेश्वर पथ, यहां से आपको भगवान शिव के जो अवतार हैं, भगवान शिव की जो लीलाएं हैं, भगवान शिव के नाम, भगवान शिव के गुण, उनकी कथाओं का मंचन करते हुए आपको चित्र वृत्तियां दिखाई देंगी जो आपको एक अद्भुत दुनिया में ले जाती हैं। और तकनीक का भी बहुत ही जबरदस्त इस्तेमाल यहां पर किया गया है, जिसमें अगर आपको इन वृत्त चित्रों पर जो कथाएं जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बारकोड के स्कैन के जरिए आप वहां तक पहुंच सकते हैं और वहां की जो कथाओं को आप आसानी से तकनीक के माध्यम से उसके बारे में जान सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो तकनीक का इस्तेमाल युवाओं को लुभाने की कोशिश, सभी लोग, सभी पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश महाकालेश्वर पथ। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे हर एक
चरण के जो हर एक आयाम हैं उनका अवलोकन करते हुए और मुख्यमंत्री इस वक्त उनकी मदद करते हुए इस पूरे के पूरे महाकाल लोक के अलग अलग जो आयाम हैं, अलग अलग जो प्रतिष्ठाएं हैं उनके बारे में बताते हुए, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो महाकालेश्वर पथ की ओर जाते हुए अब यही पथ आपको सीधे महाकाल के मंदिर के मुख्य द्वार तक ले जाएगा, जहां पर आप अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से संपन्न कर सकते हैं। और अगर आप समझें तो ये पूरे के पूरे पथ में जो सुविधाएं हैं पर्यटकों के लिए वो विकसित की गई हैं, और मकसद यही है कि स्मार्ट सिटी के तौर पर उज्जैन को एक विकास दिया जाए, और केवल स्मार्ट सिटी ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक शहर के रूप में भी उज्जैन को जाना जाता है। और जिस तरह से सभ्यता, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत और अनोखा संगम आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है महाकालेश्वर पथ पर, जहां पर पैदल चलने की भी व्यवस्था है और ई कार्ड से भी चलने की भी व्यवस्था है। जिस तरह से, जिस पथ से प्रधानमंत्री इस वक्त जा रहे हैं, कल से जनता के लिए खोल दिया जाएगा और आम जनता कल से ही इस पथ का प्रयोग करते हुए चाहे तो पैदल और चाहे तो ई कार्ड के माध्यम से भगवान श्री महाकालेश्वर के मुख्य मंदिर की ओर जा सकते, जाने के सफर पर निकल सकते हैं, और साथ ही जो शिवलोक के कथाएं हैं उनको अपने आप में समाहित करने की प्रक्रिया को भी समझ सकते हैं, जान सकते हैं। निश्चित तौर से अगर देखें तो ये अकल्पनीय दृश्य है, जिस तरीके से रुद्र सागर का पुनरुद्धार हुआ, जिस तरीके से रुद्र सागर को विस्तार दिया गया, जिस तरीके से रुद्र सागर का विस्तारीकरण करने के बाद सौंदर्यीकरण किया गया, उस तरीके से ये सही मायने में अगर देखें तो अद्वितीय है, अतुलनीय है, अप्रतिम है, अनुपम है। और ये जो छटा आप देख रहे हैं इस समय देश देशांतर के अनेक मनीषी महामंडलेश्वर और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक यहाँ पर साक्षी बन रहे हैं महाकाल की इस धरती पर। असंख्य देव और साथ ही साथ अन्य लोगों के साथ जो चराचर में व्याप्त है, निश्चित तौर से अगर देखें तो ये सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा का विश्व के पटल पर लहराने जैसा है। और साथ ही साथ अगर देखें तो ये एक स्वप्न सृष्टा के, स्वप्न दृष्टा की साधना के सफल होने का परिणाम है, यदि देखें तो संकल्प से सिद्धि का परिणाम है, ये राष्ट्र सेवक की साधना का ये कर्मफल है। और साथ ही साथ कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में बना हुआ ये महाकाल का लोक आदि योगी को दी गई सही और सच्चे मायने की कार्यांजलि है, पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने अभी महाकाल के दरबार में, और अब कर्तव्य परायण स्वरूप में कार्यांजलि अर्पित कर रहे हैं सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में, जो कि महाकाल के महालोक के रूप में आज जिसका लोकार्पण किया गया है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ अश्विनी, वो ये कि आप इस वक्त जो दृश्य अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भारत का पहला नाइट गार्डन है। ये भारत का सबसे लंबा टेंपल कॉरिडोर है जिसे आप महाकालेश्वर पथ के तौर पर अब आज से जानेंगे, महाकाल लोक का ये महाकालेश्वर पथ इस वक्त भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर। काशी कॉरिडोर भी आपने देखा वो 300 मीटर करीब, उससे तीन गुना ये जो लंबाई है। और इस वक्त जो दीवारों पर जो कथाएं चित्रित की गई हैं वो कैसे उकेरी गई हैं और कैसे सभी संतों से, सभी महर्षियों से विचार विमर्श करने के बाद किन श्लोकों को वहाँ पर उद्धृत किया जाना है, और इस पूरे के पूरे जो जो आपको दीवार दिख रही है वो 25 मीटर ऊंची, उसमें आधे किलोमीटर यानी 500 मीटर का जो हिस्सा है वो शिव पार्वती के विवाह के संबंध से जुड़ी हुई कथाओं के लेकर के समेटे हुए है। और अजय, सबसे बड़ी बात आपने ये भी बताई, दर्शकों को अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि किस तरीके से ये पुरातन और नवीन का संगम भी है, इन सभी वृत्त चित्रों पर उससे संदर्भित एक बारकोड लगाया गया है, उस बारकोड को कोई भी श्रद्धालु, कोई भी दर्शनार्थी आके उसको स्कैन कर सकता है, और अगर जब वो स्कैन करेगा तो सीधे वो वेब संजाल के वेब पेज के उस वेब पेज पर पहुंच जाएगा जो कि जहां पर उससे संदर्भित कथा कही गई है। तो पूरा का पूरा शिवपुराण के पुरातन स्वरूप को नवीनतम रूप में व्याख्यायित करते हुए, और ये 108 स्तंभों की जो ये वलयावली है, जो ये अहोरात्र चलने वाला महायज्ञ जैसा है, जो असंख्य दीपों से सुसज्जित इस समय उज्जैनी है, निश्चित तौर से अगर इसका साक्षी बनने के लिए हम आप और साथ ही साथ ये समूचे सनातन संस्कृति के लोग धन्य हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कायांतरण है, ये महालोक का निर्माण समूचे
उज्जैन और उस परिसर का कायांतरण है, रूपांतरण है जो नैनाभिराम स्वरूप में आप देख रहे हैं। अजय, स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन में। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, श्री महाकाल लोक के नाइट गार्डन में भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित ऐसी 190 मूर्तियां स्थापित की जानी हैं। दो चरणों में ये कार्यक्रम संपन्न होना है, अभी तो सिर्फ पहला चरण पूरा हुआ है। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत उज्जैन को विकसित करने की ये जो योजना है, उसके दूसरे चरण का कार्य मार्च 2024 तक पूरा होने की संभावना उम्मीद जताई जा रही है। जैसा कि अभी आपने सुना, 108 स्तंभ स्थापित किए गए हैं जिसमें भगवान शिव और उनके गणों की विभिन्न मुद्राएं बनी हुई हैं। और आप देखें, स्वयं महाकाल के रूप में जो लोक कलाकार हैं और 750 से ज़्यादा लोक कलाकार देश के अलग अलग हिस्सों से अपने कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रदर्शित करते हुए इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। श्री महाकाल लोक में 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं जिसमें नटराज, भगवान शिव के पुत्र गणेश और कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव की कहानी, शिव और सती और समुद्र मंथन जैसे विहंगम दृश्य शामिल हैं। उसके बाद थोड़ी सी उससे कम ऊंची 15 फीट की जो प्रतिमाएं हैं उनकी संख्या 23 है, जिसमें आपको शिव के तांडव नृत्य का एक तरह से अवलोकन करने को मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हैं मूर्ति, वो भगवान शिव के विवाह की जो झांकी है वो दिखा रही है। और इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कला है, कैसे आप अध्यात्म के जरिए अपने आप को जोड़ पाते हैं, वो इसमें शिव नृत्य और शिव के विवाह के जो प्रसंग हैं उनके माध्यम से भगवान शिव के लोक में आपको ले जाने की तैयारी करता हुआ ये महाकाल का लोक, जिसमें आप शिव नृत्य के साथ साथ 11 रुद्र, उनके महेश्वर अवतार, भगवान शिव के अघोर अवतार, ये आप देखें, विष्पान, अमृत मंथन के बाद जो विष्पान के दृश्य है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जो अघोर अवतार के साथ साथ काल भैरव, शरभ भैरव, खंडोबा अवतार और वीरभद्र द्वारा किया गया जो दक्ष वध है, उसकी भी मूर्तियां आपको यहां पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देंगी। शिव बारात आपने देखा, उसके बाद मणिभद्र अवतार, भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय के साथ जो पार्वती, जिसका जिक्र हमारे साथी अश्विनी जी कर रहे थे कि शिव वाटिका का निर्माण किया गया है, तो यहाँ पर 4 वाटिकाएं बनाई गई हैं जिसका हम आपको लगातार उसके बारे में बताते रहेंगे। और इस महाकाल लोक में 11 फीट की 17 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जिसमें प्रवेश द्वार पर आपने देखा भगवान श्री गणेश, उसके बाद अर्धनारीश्वर, अष्ट भैरव, ऋषि भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, कश्यप, जमदग्न, जो आपने सप्तर्षि के जो मूर्तियां देखी वो शामिल हैं। बहुत ही अद्भुत जो प्रतिमाओं का दर्शन और उसके साथ साथ जो भगवान शिव की जो शिवत्व का दर्शन है, वो आप कैसे दृश्यों के माध्यम से अपने आप में समाहित करते हुए भगवान श्री महाकालेश्वर मंदिर की अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और अत्याधुनिक सुविधाओं का आनंद लेते हुए कैसे आप अध्यात्म के सफर पर चल सकते हैं और कल ही से इस योजना का या फिर कहें इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, वो अब राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। स्वागत है आप सभी का महाकाल लोक में, स्वागत है आप सभी का भारत के पहले नाइट गार्डन। ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतं सं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। संकल्पना है, सही मायने में यहाँ पर इस समय धरती पर उतर आई है और सब कुछ इस समय शिवोहम के स्वरूप में हो चुका है। नमे द्वेष रागो नमे लोभ मोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोहम। अगर शिव को व्याख्यायित करने की कोशिश की जाती है तो कहा जाता है न वो द्वेष है, न राग है, न लोभ। और वह रूप जो सही मायने में आज देखे, आज रुद्र सागर के तट पर, पुण्य सलिला क्षिप्रा के तट पर, उज्जैन नगरी में इस समय विलक्षण क्षण के हम सहभागी बन रहे हैं। हम देख रहे हैं ये नैनाभिराम दृश्य किस तरीके से कायांतरण हुआ है, किस तरीके से रूपांतरण हुआ है, किस तरीके से कलेवर बदला हुआ है। और सही मायने में अगर देखें तो अगर एक सशक्त नेतृत्व होता है, स्पष्ट दूरगामी लक्ष्य होता है, अगर दूरदृष्टा का संधान होता है और संकल्प होता है, तो ये प्रमाण है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि होती है। अजय,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में ये पूरा का पूरा निर्माण कार्य किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आप इस सफर को जारी रखें, सिर्फ मैं एक छोटी सी जानकारी आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहता हूं। ये जो नाइट गार्डन आप देख रहे हैं ये अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे प्रांगण में सौर ऊर्जा से संचालित करीब 450 किलोवाट ऊर्जा का उत्पादन होता है और इससे करीब करीब जो 80% विद्युत का उत्पादन या जो उपभोग है जो इस वक्त आप देख रहे हैं नाइट गार्डन में किया जा रहा है वो यही के प्रांगण में जो सौर ऊर्जा स्थापित की गई है 450 किलोवाट के संयंत्र के द्वारा 80% जो हिस्सा है वहीं से आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आत्मनिर्भरता की कहानी है और पूरे विश्व तक इस कहानी को ले जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत सक्षम है वो करने में जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। और आप देख रहे हैं मलखम मजे इसके बारे में बताएं, पूरा का पूरा कितना ये विलुप्त होती है हमारी विरासत थी और जिसको पुनर्जीवित करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये बहुत ही अद्भुत ये माधव न्यास संचालित जो मलखम्ब की पूरी प्रक्रिया है वो आप इस वक्त देख रहे हैं। और यही इसी संस्थान का जो के जो छात्र हैं छोटे छोटे छात्र हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान भी बना चुके हैं और यहाँ के कई जो छात्र हैं वो स्वर्ण पदक विजेता भी हैं राष्ट्रीय खेलों में जो मलखम्ब से संबंधित जो प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इसके बगल ही भारत माता का मंदिर है जहाँ पर मलखम्ब के बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसके बगल में ही आद्य द्वितीय गुरु संघचालक को संबंधित और उनके लिए समर्पित माधव सेवाश्रम है। और साथ ही साथ ये जो विलक्षण हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी कला थी, जो हमारा ये ज्ञान था, जो हमारी हमारा ये कर्तव्य था, जो हमारा व्यायाम था जो कि कहीं लुप्त हो रहा था उसको जो है पुष्पित पल्लवित संवर्धित और स्थापित करने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और देख रहे हैं आप भारत माता का मंदिर जो कि महाकालेश्वर भक्त निवास भी यहाँ पर है और महाकाल के प्रांगण से ही सटा हुआ ये भारत माता का मंदिर है। निश्चित तौर से अगर देखें तो दो ही मंदिर हैं, या तो हरिद्वार में भारत माता का मंदिर है या फिर उज्जैन में भारत माता का मंदिर है। हम उस संस्कृति के हैं अजय जो हम कहते हैं कि माता पृथ्वी पुत्रो अहम, माता पृथ्वी है और हम उसके पुत्र हैं। हम ऐसे उस सनातन संस्कृति के हैं जो हम कहते हैं कि हम अपनी जन्मभूमि को माँ के सदृश मानते हैं। हम उस संस्कृति के हैं जो ये कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हम उस सनातन संस्कृति और भारत भूमि की पूर्ण भूमि के हैं जो कि ये बताते हैं कि जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहिए। और इन्हीं ध्येय वाक्यों को आगे लेते हुए और राष्ट्र निर्माण के प्राण प्रण से जुटे हुए इस राष्ट्र साधक के संकल्पना के साकार होने का आज दिन है, स्वप्न दृष्टा के स्वप्न के साकार होने का दिन है। ये विहंगम दृश्य खुद बताता है कि किस तरीके से पूरा का पूरा इस परिसर का कायांतरण हुआ है, रूपांतरण हुआ है, दिव्य अलौकिक छटा मिली है। अजय कुमुद सरोवर का दृश्य आप देख रहे हैं और जिस तरह से हमने पहले कहा कि यहाँ पर जितने भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है वो पूरे के पूरे इसी प्रांगण में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा के उत्पादन के लिहाज से 80% आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा चुकी है और बहुत ही समझना इसलिए भी आवश्यक है एक और बात कि सुरक्षा की दृष्टि से भी जो तकनीक का इस्तेमाल इस पूरे प्रांगण में किया गया है वो अभूतपूर्व है। 2400 घंटे यहाँ पर विशेष सर्वेलांस कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। अगर आप देखें जो नंदी द्वार है वहाँ से करीब करीब 20,000 लोग एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। महाकाल के परिसर में अगर हम समझें तो हर घंटे 1,00,000 से ज़्यादा लोग महाकालेश्वर के दर्शन कर सकते हैं। इतने लोगों पर निगरानी रख पाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है और इसीलिए हम कह रहे हैं बार बार कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही उन्नत और अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है जिसके ज़रिए जो सर्वेलांस है सर्वेलांस कैमरों की मदद से जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है पूरे परिसर की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। और इस परियोजना का जो पूरा उद्देश्य है इस क्षेत्र में जो भीड़ भाड़ पहले थी उसको कम करना और किस तरह से जो विरासत संरचनाओं का संरक्षण करना और साथ ही साथ जो इस परियोजना के विस्तार के जरिए यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देना है, अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है, आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देना है, समृद्धि को भी हमें दिखाना है, अपने सांस्कृतिक
धरोहर को सहेजना भी है। इन सभी कार्यों का जो संगम है वो आपको इस महाकाल के इस नए लोक में इस वक्त भारत के पहले नाइट गार्डन के रूप में एक विहंगम दृश्य के रूप में, जिसमें इस वक्त आप रुद्र सरोवर के साथ साथ महाराज विक्रमादित्य का टीले के साथ साथ आप देख रहे हैं ये दृश्य, जो आप या फिर कहें कि भारत माता के मंदिर के साथ साथ जो मंदिर का मुख्य शिखर है वो भी आपको बहुत ही आसानी से दिख रहा है। अप्रतिम व्यंगम दृश्य, नैनाभिराम दृश्य। और अजय, जैसा आपने बताया कि भारत ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में और उनके नेतृत्व में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की, और यहाँ इस पूरे परिसर का जो प्रकाश की व्यवस्था की गई है वो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। ये होता है दूरदृष्टि और ये होता है स्वप्नद्रष्टा के स्वप्न।